देखिए, ए वायर इज इन शेप ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर. इफ द वायर इज रीबेंट इनटू अ रेक्टेंगल ऑफ ब्रेथ 5 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ. कहता है एक तार है, उसे ए स्क्वायर का शेप दिया गया जिसका साइड 15 सेंटीमीटर है. एक तार है उसको ए स्क्वायर का शेप दिया गया, मतलब वर्ग का शेप दिया गया जिसका साइड है 15 सेंटीमीटर. आगे कहता है उसी वायर को खोल खाल कर एक रेक्टेंगल का रूप देता है, आयतकार का रूप देता है जिसका ब्रेथ चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है. तो बताएं कि उसका लंबाई क्या होगा. ठीक है, ध्यान रहे कोई भी तार है उसके बारे में बोला जा रहा है कि शेप बदला जा रहा है. ठीक है, स्क्वायर से रेक्टेंगल बना या आपका कुछ भी स्फीयर से कुछ भी बना, ट्रायंगल बना, यानी चेंज हो रहा है. ठीक है, शेप चेंज हो रहा है. तो याद रहे कि उसमें लेंथ कभी चेंज नहीं होता है, तो उस वक्त पेरीमीटर का हम यूज़ करते हैं. ठीक है, पेरीमीटर का यूज़ करते हैं. तो बनाते हैं, देखिए पेरीमीटर ऑफ दो का बात किया गया, एक स्क्वायर का और एक रेक्टेंगल का. तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपका रेक्टेंगल का बराबर आता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के बराबर रहेगा. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. अब इसका फॉर्मूला है, सिंपल है, 4a होता है. ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4a होता है. रेक्टेंगल का क्या होता है, 2 × l + b होता है. ठीक है, तो 4a, साइड कितना दिया था, 15 दिया था, तो 15 चौके कितना होता है, 60 होता है. ठीक है, 15 चौके 60 हो गया. इधर देखिए 2 × l + b, b का दिया है वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, l का नहीं दिया है, तो कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10. ठीक है, और इधर कितना होगा, प्लस 2l हो जाएगा. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. ये 60 तरफ जाएगा, 10 जाएगा, तो 50 बचेगा. ठीक है, और इधर l का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, यानी 25. l का जो वैल्यू आएगा 25 सेंटीमीटर आएगा, लेंथ कितना है, 25 सेंटीमीटर. ओके, थैंक यू.